हाय दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कई बार इंसान जो है, पेशेंट जो है, वो बीमारी के डर से मरते हैं, ना कि बीमारी से। क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं जहाँ पे सिर्फ डर की वजह से उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम को जन्म दे दिया जो कि फिर उनकी जानलेवा साबित हुई और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में फंस गए। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, एक पेशेंट है जिसको शुगर है, लेकिन वो डर की वजह से, ब्लड टेस्ट कराने से उनको डर लगता था। उन्होंने शुगर 4-5 साल में शुगर चेक ही नहीं कराई और शुगर शुगर लगातार बढ़ी रही। और जब उनको बीपी भी लगातार बढ़ा रहा, शुगर भी बढ़ी रही, घर वाले जब बोलते थे तो वो मना कर देते थे कि मैंने नहीं कराना टेस्ट, जो मर्जी हो जाए मैं नहीं कराऊंगा। और अभी 3-4 दिन पहले बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन में आए, जब उनकी किडनी भी खराब हो गई, उनकी शुगर से हार्ट पे भी असर आ गया। तो मैं उनको बहुत पहले से जानता था, तो मुझे ये बात बतानी जरूरी कि कई बार हम सिर्फ इस डर की वजह से कि टेस्ट में कुछ आ ना जाए, या टेस्ट आएगा तो मेरे ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसकी वजह से कई बार हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में। और फिर उसके बाद जब एडमिट होते हैं तो जो डर आपको, एक सुई का डर, एक छोटी सी सुई के डर से जो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, अब आपको एडमिट भी होना पड़ा, 36 इंजेक्शन लगे, ऑक्सीजन लगी, कैथेटर लगा, पता नहीं क्या क्या लगा, वो सब हुआ जो वो जिंदगी में सोच भी नहीं पाता था। सिर्फ एक डर, सिर्फ एक डर आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। ये मैं एक पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये रोज देखता हूँ और मुझे बहुत ही समझ में नहीं आता कि मैं कैसे समझाऊँ इन लोगों को कि आप अपनी जिंदगी के साथ एक छोटे से डर की वजह से। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप इस छोटी सी डर की वजह से कहीं आप अपनी ऐसी तैसी ना करा लें। जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी डर आपकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। मत करो ऐसा दोस्तों, मत करो। जाओ और जो बीमारी है उसका सामना करो। उस डर की वजह से आप उसको इतना बढ़ा देते हो कि फिर वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है और कुछ नहीं होता। ज़िंदगी भी चली जाती है कई बार दोस्त, कई बार ज़िंदगी भी चली जाती है।